आपको क्या लगता है जो कौन बनेगा? लालू जी हटेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो उनके सुपुत्र बनेंगे, तेजस्वी जी बनेंगे। तेज प्रताप पर तो उनको भरोसा है नहीं कि जो कहाँ ले जाके गाड़ी पलट देगा, तो उन पर तो भरोसा है नहीं। तो तेजस्वी जी को बनाए, तेजस्वी जी छोटा लड़का है, उनको ज्यादा मानते हैं और इनको तो मानते नहीं है तेज प्रताप जी को। तो ये तो दाल भात में मुसल चंद है, बिना मतलब में कहियो क्लोज हो जाएंगे, कहियो दूर हो जाएंगे। तो ये तो सबको मालूम है, आपको नहीं मालूम है? आप जो प्रश्न हमको कर रहे हैं ये तो आपको भी मालूम है क्या होना। ये सब परिवारवादी पार्टी है, इसमें एक आदमी हटेंगे तो परिवार के लोग ही कोई न कोई आएंगे, और परिवार में भी जिन पर लालू जी का भरोसा है उसमें वही लोग आएंगे। तो यही होता है। वैसे तो परिवारवादी पार्टियों में बड़े पुत्र पर लोग भरोसा करते रहे हैं, लेकिन लालू जी को तो बड़े पुत्र पर भरोसा है नहीं, तो छोटे पुत्र को ही हमको उम्मीद है, संभावना है कि कहीं उधर ही सरका दे धीरे से। राबड़ी देवी को भी बनाया जा सकता अब ये। हाँ तो कहते, और राबड़ी देवी कौन है? पत्नी है। अरे तो भाई वही ना, परिवार ना हुआ। लालू जी हटे तो राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी। जनता राष्ट्रीय जनता दल के अंदर उस समय भी सैकड़ों विधायक थे, बहुत काबिल काबिल कार्यकर्ता थे। हमारे यहाँ के अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग थे, ललित यादव लगातार जीत रहे हैं, ऐसे लोग थे। तो क्यों नहीं इस पर भरोसा कर रही है राष्ट्रीय जनता दल? इस करना चाहिए ना। लगातार 95 से ललित यादव जी सदन के अंदर मौजूद हैं। लगातार जो है वो अगर माई समीकरण की बात वो लोग करते हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी उसी दरभंगा जिला के काबिल नेता में आते हैं। तो क्यों नहीं उन पर भरोसा कर रही है? तो यहाँ जनता पर भरोसा नहीं करना है, अपने नेतृत्व अपने लोगों पर भरोसा नहीं करना, केवल अपने परिवार पर भरोसा करना है, और परिवार में भी उस पर भरोसा करना है जो उनके लिए प्रिय हो। तो ये सब चलिए, उनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने मेहनत करके बनाया है, उसका CEO कौन होगा उनको डिसाइड करना है, हमको क्यों बीच में आप लोग डाल रहे हैं? आप सभी लोगों को मालूम है जो क्या क्या होने वाला है।